सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, कल यूएनएससी में जिस प्रकार से पाकिस्तान को जो चाल थी वो नहीं कामयाब हो पाई, भारत के पक्ष में सब कुछ हुआ, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत साफ हूँ इस मामले में। ये कश्मीर का जर्रा जर्रा भारत का है, एक एक इंच भारत की है, और कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो हमारा आंतरिक प्रकरण है। गैर संवैधानिक ढंग से अगर हुआ तो उसके लिए न्यायालय, जिस कुछ विचार व्यक्त करने हैं संसद है, हमारे राजनीतिक दल हैं वो अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन पाकिस्तान या चीन को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे। और यही होना था, यही स्टैंड लिया वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल ने भी, चीन और पाकिस्तान का बोलना पूरी तरह असंवैधानिक गैर परंपरागत था, इसलिए इनका मुद्दा वहाँ फेल। सर, अगर बात करें तो सरकार अब दावा कर रही है कि घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं, आज से कुछ लैंडलाइन फ़ोन खोल दिए जाएंगे, इसके अलावा 2G इंटरनेट भी चालू कर दिया गया, स्कूल भी सोमवार से खोले जाएंगे। घोषणाएं और हकीकत में फ़र्क है। अगर वहाँ हालात सामान्य हैं तो वहाँ के जो नेता नज़रबंद हैं, जो जेलों में डाल दिए गए हैं, वो क्यों नहीं आज़ाद किए जाते? घाटी में लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो घोषणाएं हों वो अमली जामा पहने और धरती पे दिखाई पड़े। हमारे नेता जम्मू कश्मीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उनको ज़बरदस्ती रोक दिया गया, नहीं करने दी गए, गिरफ्तार किया गया हमारे प्रवक्ता को, हमारे नेताओं को। तो ये आज़ादी कहाँ, सब तो कैद में है। तो मेहरबानी करके वहाँ स्थिति सामान्य लाई जाए, वहाँ लोगों को आवागमन पूरी तरीके से स्वतंत्र किया जाए। सर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो विधायक संगीत सोम के ऊपर जितने भी केस दर्ज हुए हैं उनको अब उत्तर प्रदेश सरकार वापस लेने जा रही है, कह रही है राजनीतिक से प्रेरित मुकदमे दर्ज किए गए थे। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि मुकदमे वापस लेने की जो परंपरा रही वो है राजनीतिक आंदोलन या किसी ऐसी गतिविधि में, तब तो आप वापस लो, जिसमें कम्युनल राइट हुआ हो, जिसमें इतने लोगों की जान गई हो, इतने दिन कर्फ्यू लगा हो, उसके बाद मुकदमे वापस लेना ये दर्शाता है, कई सरकारों ने किया, कि अपने लोग जितनी भी गलती करें, चाहे वो हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, आत्महत्या का प्रयास या आगजनी, वो सब मुकदमे वापस ले जा रहे हैं। ये न्याय के हित में नहीं है, ये अदालत पे छोड़ देना चाहिए। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी रूस दौरे से लौटे हैं और उन्होंने कहा है कि यूपी के किसानों को रूस भेजा जाएगा कि वहाँ पे भी जाके वो खेती कर सके। मैंने मुख्यमंत्री जी की घोषणा तो सुनी है, पर विस्तृत कार्यक्रम क्या होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो गए हैं, लौट के आए हैं, एक प्रस्ताव यहाँ किसानों को दिया है, अब देखिए आगे क्या होता है, किस रूप में होता है, हमें प्रतीक्षा रहेगी। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस अवसादग्रस्त हैं, अब वो मनोवैज्ञानिक लगाएंगे कि उनके तनाव को जो है मनोवैज्ञानिक ठीक कर सके। भाई, जैसे भी ठीक हो, ठीक किए जाने चाहिए। हेलो, सर, यूपी में DGP ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक लगाएं। देखिए, मनोवैज्ञानिक लगाएं जो लगाएं, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से जनता को पूरी सुविधा पुलिस की नहीं मिल पाती, हमारे कर्मचारी भी तनाव में रहते हैं, उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती, घर से दूर रहते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ संभव किया जाना चाहिए जिससे कर्मचारी के पास काम करने का वातावरण हो और जनता को पुलिसिंग मिल सके। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अविनाश तिवारी, एपी गंगा, दिल्ली। प्रियंका गांधी पे केस दर्ज किया गया, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, प्रियंका गांधी के ऊपर बिहार में केस दर्ज किया गया, जिस प्रकार से उन्होंने पहलू खान पे ट्वीट किया था, मैं समझ नहीं पाता जिस किसी ने केस दर्ज किया है। मैं ये समझता हूँ कि या तो अज्ञानता में किया है या सस्ती लोकप्रियता में। जब एक फैसला आ गया, जजमेंट आ गया, तो उस पर तो जजमेंट पे कानूनी रूप से, विधिक रूप से प्रतिक्रियाएं होंगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जजमेंट पढ़ने पे लगता है कि दैट इज़ अ बैड इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में उसमें बहुत सी कमियां हैं जिसकी अपील होगी। और ये कहने का अधिकार सबको है कि जजमेंट में अगर कुछ कमियां हैं, अगर उसको उजागर नहीं किया जाएगा तो कैसे अपील होगी। तो मैं समझता हूँ या तो उन्हें विधिक राज जानकारी नहीं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं पूरी तरह प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन करता हूँ,
और ये कहता हूँ बढ़कर आगे, उसमें बहुत सी चीज़ें प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ है। सर एक और सवाल है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 9 बजे कार्यालय में रहें और वो खुद इस बात को चेक कर रहे हैं कि अधिकारी पहुँच रहे हैं कार्यालय कि नहीं। ठीक है, ये अगर प्रशासनिक रूप से 9 बजे से समय दिया गया है तो लोगों को उपलब्ध रहना चाहिए जिससे जनता आए उससे मिल सके। शुक्रिया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अविनाश तिवारी, एपी गंगा, दिल्ली।